हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ घूमने आया हूँ बापू सभागार और ज्ञान भवन का पार्क। साथ ही में बात करेंगे बिहार का जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने वाला था 6 मार्च को, वो बढ़कर 10 मार्च हो गया है। पता नहीं ये हम लोग के साथ कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, हर एक चीज़ एक्सीडेंट ही होती जा रहा है। एक्सीडेंट होते होते हम लोग साल भर जो है आराम से निकल गया, 2021 पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। वहीं जेई मेन वालों का भले ही एग्ज़ाम लेट हुआ लेकिन सब कुछ जल्द जल्दी हो गया और सब कुछ क्लास भी चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स आए थे तो वहीं उनसे बात कर रहे थे तो ध्यान आया हम लोग का तो केवल इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। उस तरह से सबसे पहले तो एग्ज़ाम का डेट का इंतजार करना पड़ा, फिर उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। उसको अब सब डेट एक्सटेंड ही होते जा रहे हैं। उस तरह से काउंसिलिंग का भी हुआ और फिर काउंसिलिंग आया भी तो उसका भी डेट एक्सटेंड होते होते पूरी मतलब जब लगता है पूरे मार्च खत्म चला जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर ज्ञान भवन का जो पार्क है देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर दृश्य है और कितना सुंदर म्यूजिक भी चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स आप भी आ सकते हैं क्योंकि सुंदरता जो है मतलब सुंदरता की तरफ एक बार जाना ही चाहिए, मतलब इतने सुंदर सुंदर जगह पर एक बार जाना ही चाहिए। जाकर थोड़ा सा भी अगर टेंशन हो तो जाकर आप शांति से बैठ कर मतलब कि इस सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। और हम लोग क्या पूछे, हम लोग का तो इस बार पूरी खराब ही चल रही है। कितना इंतज़ार करने के बाद पता नहीं मेडिकल कॉलेज में जाएंगे लोग तो शायद पढ़ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ना हो जाए, क्योंकि क्योंकि अब इस मेडिकल का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और टाइम कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो पड़ेगा ही और उसको झेलना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, एक सीनियर बोल रहे थे। खैर जो होगा उसे तो झेलना ही पड़ेगा, पर ये सिस्टम भी बहुत लापरवाही करती आ रही है मेडिकल स्टूडेंट के साथ। एक डॉक्टर से कोई गलती हो जाता है तो बवाल हो जाता है, पर उसके लाइफ के साथ इतने बड़ी लापरवाही हो रहा है तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, सब बिंदास हैं।